नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको नवामशा चार्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी कि नवामशा चार्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जो हमारा मेन चार्ट है जिसे हम राशि चार्ट कहते हैं, उसके हर साइन का नौवां हिस्सा जो होता है उसे नवामशा चार्ट कहते हैं। और हर साइन जो होता है 3 degree 20 minutes का जब कर दिया जाता है तो उससे नवामशा निकलता है, एक नवामशा निकलता है। तो इस प्रकार से ये बनाया जाता है। हमें इसकी कैलकुलेशन के अंदर नहीं पढ़ना, पर जी हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो नवामशा चार्ट है ये हमारा, जब हम षटबल की बात करते हैं उसमें 6 divisional charts हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। ये 6 varga charts में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है वह हमारा नवामशा चार्ट है। इसे कुल मिला के 5 points मिले हैं। यदि D1 चार्ट राशि चार्ट को 6 points मिले हैं विमशोपक बल में, तो इसे 5 points मिले हैं, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम यदि किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमें D9 चार्ट को अवश्य देख लेना चाहिए। अब इसे कैसे समझना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये है कि D9 चार्ट को आप एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी कि जब कोई दशा आपको D1 में कुछ रिजल्ट दे रही होती है तो आप उस दशा के रिजल्ट्स D9 में भी इंडिपेंडेंटली एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट चेक कर सकते हैं और आपको लगभग सेम ही इंटरप्रिटेशन मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि यदि कोई ग्रह आपके D1 चार्ट में जो है बहुत उच्च का दिख रहा है, बहुत बली दिख रहा है, पर D9 चार्ट में यदि वह नीच का हो जाता है तब उस स्टेट में आपको वह रिजल्ट नहीं देगा। या वही ग्रह आपका D9 चार्ट में 8वें भाव में चला जाता है, 8th house में चला जाता है या 12वें house में चला जाता है, तो ये जो घर हैं ये बहुत स्ट्रगल दिखाते हैं। और ये घर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस ग्रह की दशा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये कमज़ोर घर माने गए हैं D9 चार्ट के। तो किसी भी ग्रह का 8वें भाव में बैठना या 12वें भाव में बैठना ठीक नहीं माना जाता। तो उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो D9 चार्ट होता है उसमें एस्पेक्ट्स भी लिए जाते हैं, प्लैनेट्स की दृष्टियां भी ली जाती हैं, और उसमें शुभ कर्त्री पाप कर्त्री योगा को भी लिया जाता है, कैंसिलेशन ऑफ डेबिलिटेशन भी ली जाती है। तो इसको एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह ही पढ़ा जाता है। अब जो भी ग्रह आपके D1 चार्ट के हैं यदि वह आपके D9 चार्ट के केंद्रा में प्लेस्ड हैं, केंद्रा यानी कि 1st भाव में, 4th house में, 7वें घर में या 10वें घर में प्लेस्ड हैं, तो वह बहुत बली माने जाते हैं। अपनी दशा में आपको रिजल्ट जो है आसानी से मिल जाएंगे और आपके जीवन में उन ग्रहों की दशाओं में ग्रोथ बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये पीरियड आपका अच्छा जाएगा यदि ये ग्रह आपके इन भागों में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। यदि त्रिकोण में भी बैठे हैं तो इन ग्रहों की दशाओं में आपको शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि ये आपके D9 के शुभ स्थानों में बैठे हैं। अब केंद्र त्रिकोण के बाद जो सेकंड गुड प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट है, वह है 2nd भाव में बैठना या 11वें भाव में बैठना। यदि कोई ग्रह 2nd भाव में या 11वें भाव में है तो इसका इंडिकेशन ये भी है कि वो ग्रह आपको धन संबंधित अपॉर्चुनिटीज़ देगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ करा देगा अपनी दशा में। तो ये भी अच्छे हाउसेज माने जाते हैं, भाव माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह 3rd घर में बैठे हैं या 6th घर में बैठे हैं या 11वें घर में बैठे हैं, 11वां घर जो होता है उपचय स्थान भी होता है, तो 3, 6, 11, 10 की मैं बात नहीं कर रही, तो 3, 6, 11 में जो ग्रह बैठे हैं ये बताते हैं कि इनकी दशाओं में आपको ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे और उपचय भाव जो होता है जीवन में आपको मेहनत करवाते हैं। यदि D9 के उपचय भाव में है तो आपको जीवन में मेहनत के बाद चीज़ें मिलती हैं। अब एक चीज़ और है, यदि कोई ग्रह आपका 3rd भाव में बैठा है तो वह चीज़ों का क्लोशर भी दिखाता है, यानी कि उस समय आपको कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिससे कि आपका जीवन थोड़ा
उथल पुथल सा भी हो सकता है यदि तीसरे भाव में आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं। इसका कारण ये है कि तीसरा भाव अष्टम का अष्टम है, तो तीसरे भाव में भी किसी ग्रह का चले जाना कोई बहुत आपको शुभ रिजल्ट्स नहीं देगा। यहाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी अवश्य देगा। अब एक चीज़ और बताती हूँ कि जो ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी हैं, यानी कि D1 चार्ट में जो ग्रह जिस भी राशि का है, D9 चार्ट में भी वह ग्रह उसी राशि में यदि चला जाए तो वह वर्गोत्तमी हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अपनी दशा में। और यदि कोई ग्रह आपका D9 चार्ट में उच्च का हो जाता है तो भी आपको अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट देगा। पर यदि वह ग्रह आपका 6, 8, 12 में उच्च का होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वह आपके D9 चार्ट के त्रिक भावों में बैठा है। हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पर उच्चता भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली यदि वही ग्रह आपके 6, 8 और 12 में उच्च के हो रहे हैं। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण का बैठा है तो वह आपको 75% तक रिजल्ट देगा, और उच्च का ग्रह 100% रिजल्ट देगा यदि वह केंद्र त्रिकोण में बैठा है। और जो ग्रह अपनी स्वराशि के होते हैं वे आपको 50% तक रिजल्ट देते हैं, और जो ग्रह अपने मित्र राशि के होते हैं वह आपको 25% तक रिजल्ट देते हैं, और जो ग्रह अपने एनिमी साइन के होते हैं वह 12.5% तक आपको रिजल्ट देते हैं। जो ग्रह नीच के हो जाते हैं वह आपको उसके भी 0.5% का रिजल्ट देते हैं, जो कि बिल्कुल नामात्र का होता है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। और शुभ ग्रह वर्गोत्तम होने पर बहुत शुभ रिजल्ट देता है। अशुभ ग्रह यदि वर्गोत्तम हो जाए या नीच का ग्रह यदि वर्गोत्तम हो जाए तो वह इतना नीच नहीं रह जाता, और अशुभ ग्रह इतना अशुभ नहीं रहेगा यदि वह वर्गोत्तमी है। तो अब हम बात करते हैं आपके उन ग्रहों की जो कुंडली में कंबस्ट हैं, यानी कि सूर्य के बहुत समीप हैं। ऐसे में उन्हें हम बोलते हैं ये ग्रह जो है जला हुआ है, मतलब प्लैनेट जो है वो सूर्य के पास आने पर अपनी शक्ति को खो देता है। कंबशन को आप डेब्लिटेशन की तरह ही समझें। अब यदि आपका कोई ग्रह D1 में कंबस्ट है पर D9 चार्ट में वह ग्रह आपका केंद्र में बैठ गया, 1, 4, 7, 10 इन घरों में बैठ गया, तो आपको वो फिर भी अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, इस बात के बावजूद कि वह आपकी कुंडली में कंबस्ट है, यानी कि सूर्य के बहुत नज़दीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कंबस्ट है और कोई दूसरा ग्रह D9 चार्ट में, नवांशा चार्ट में उसी कंबस्ट ग्रह की राशि में बैठ जाए तो वह दूसरा ग्रह आपको अपनी दशा में पूर्णतः रूप से रिजल्ट्स नहीं देगा। इसका मैं उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध जो है कंबस्ट है। बुध कंबस्ट होने पर D9 चार्ट में बुध की जो राशियाँ होती हैं, जैसे कि जेमिनी और वर्गो राशि, यानी कि मिथुन और कन्या राशि, यदि कोई दूसरा ग्रह D9 चार्ट में मिथुन और कन्या राशि में बैठ जाए तो वह अपनी दशा में पूर्णतः रूप से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह आपका कंबस्ट प्लैनेट की वर्गों में बैठा हुआ है। तो ये भी आपको देखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि D9 चार्ट जो होता है मैरिज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, ये आपके धर्म के बारे में भी जानने के लिए होता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, डिटेल में समझाऊँगी आपको। आज मैं आपको D9 चार्ट मैरिज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बातें बताऊँगी। यदि आपके D9 चार्ट में
आपका जो लग्न लॉर्ड है वह जो है 6, 8 और 12 में बैठा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसा इंसान अपने यहाँ तो शादी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और यदि उसका विवाह हो जाता है तो वह अपने विवाह को बहुत सीरियसली नहीं लेने वाला। और यदि आपके नवांश के लग्न में अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, सूर्य या राहु केतु बैठ जाएं, तो वह आपके विवाह के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। राहु केतु का पहले और सप्तम भाव में बैठना नवांशा चार्ट के आपके मैरिज को खराब करता है, और यदि मंगल, शनि और सूर्य बैठ जाएं तो ये थोड़े सेपरेटिस्ट प्लैनेट हैं, दूर करने वाले प्लैनेट हैं, तो ये मैरिज में थोड़ा कहीं ना कहीं दूरियां बना देते हैं। अब यदि आपके D9 चार्ट में धन योगा बनते हैं, धन योगा यानी कि 2, 11, 5 और 9 इन भावों के आपस में कुछ संबंध बन जाएं, तो ये दर्शाते हैं कि या तो आपका जो स्पाउस होगा, पति या पत्नी होगा, वह बहुत धनी परिवार से होगा या बहुत धनी होगा, या फिर ये एक से अधिक विवाह को भी दर्शाते हैं यदि धन योग आपकी नवांश कुंडली में बनता है तो। यदि आपकी नवांश कुंडली में केंद्र में शुक्र बैठ जाए तो यह एक अच्छा इंडिकेशन है मैरिज के लिए। यदि आपकी कुंडली में, यदि आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में, नवांश कुंडली में, लग्न में, सिर्फ लग्न की बात कर रही हूँ, लग्न में शुक्र बैठ जाए तो यह बहुत ख़राब इंडिकेशन है मैरिज के लिए। ऐसे लोग या तो मैरिज नहीं करते, ख़ास तौर पे यदि इसे कोई अशुभ ग्रह देख रहा है, या तो ऐसे लोग विवाह नहीं करते या फिर इनके एक से अधिक संबंध हो जाते हैं और ये इनके विवाह को इस चीज़ से खराबी आ जाती है। उसी प्रकार से यदि हम महिला की कुंडली देख रहे हैं और उसके लग्न में बृहस्पति बैठ जाए, तो ये कारक का लग्न में बैठना कारको भावे नाशाय हो जाता है, ख़ास तौर पे यदि इसे कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो या साथ बैठा हो, तो ये या तो मैरिज को होने नहीं देगा या मैरिज होने पर टूटने का योग बन जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नवांश चार्ट में 9वें भाव में शुक्र का बैठना अच्छा माना जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने बोला ग्रहों का 12वें भाव में, 8वें भाव में अच्छा नहीं होता बैठना, पर शुक्र का 12वें भाव में बैठना अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से लग्न में, नवांश के लग्न में यदि आपका सूर्य बैठा है तो यह एक अच्छा इंडिकेशन है, आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा। हालांकि थोड़ी दूरियां ज़रूर करेगा, पर आपको ये सम्मान दिलाएगा आपके इन लॉज के थ्रू, और आपका रोब रुतवा होगा इस मैरिज में, आपका रोब रुतवा होगा यदि सूर्य आपका लग्न में बैठ जाए तो। यदि आपका शनि सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी आपको अपने इन लॉज से बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि उच्च का हो जाता है, सूर्य लग्न में उच्च का होता है और शनि सप्तम भाव में उच्च का होता है। अब यदि आपके चौथे भाव में गुरु महाराज बैठे हों नवांश चार्ट में, तो यह आपको विवाह में बहुत ज़्यादा जो है हैप्पीनेस देते हैं, बहुत खुशियाँ मिलती हैं। उसी प्रकार से यदि आपके छठे भाव में, नवांश के छठे भाव में बुध बैठ जाए, तो यह परेशानियाँ दिखाता है, क्योंकि छठे भाव में बुध का बैठना विवाह के लिए परेशानियाँ दिखाएगा, क्योंकि बुध का जो अपना साइन है वह 6 नंबर का साइन है, और छठे भाव में वह अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा मैरिज के लिए। तो इस प्रकार से आपको देखना है और स्टडी करना है, और इस तरह से आप अपने मैरिड लाइफ को देख सकते हैं। मित्रों,
यदि आपका अष्टम भाव का स्वामी लग्न के साथ संबंध बनाता है D9 चार्ट में, या लग्नेश के साथ कोई संबंध बनाता है, या सप्तमेश के साथ या सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे में यह विवाह के लिए काफ़ी खराब योग माना जाएगा, क्योंकि अष्टमेश जो होता है D9 चार्ट का, वह विवाह को उथल पुथल करने में सक्षम होता है। उसी प्रकार से आपका D1 चार्ट का, राशि चार्ट का जो अष्टमेश है, यदि D9 चार्ट के लग्न के साथ संबंध बना दे या लग्न को देखे या सप्तम भाव में बैठ जाए, तो यह भी विवाह या तो बहुत देरी से होगा या विवाह में काफ़ी परेशानियों को दिखाता है। उसी प्रकार से जो ग्रह आपके D1 चार्ट में, राशि चार्ट में अष्टम भाव में बैठे हैं, यदि वह ग्रह आपके D9 चार्ट के केंद्र में बैठ जाएं या लग्न में बैठ जाएं, तो यह भी विवाह के लिए बहुत खराब सूचना है, क्योंकि अष्टम भाव का ग्रह जब नवाब चार्ट में बलि हो जाता है तो वह भी आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको अपने नवाम चार्ट का अध्ययन करना है, और नवाम चार्ट के बारे में मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, केवल ये इतनी ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता लगाया जा सकता है। मैं आने वाले वीडियोस में लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको नवाम चार्ट से जुड़ी हुई बताती रहूँगी। सारी चीज़ें एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।